हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो आज है 16 जून। 16 जून से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए SSC MTS दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम हो, SSC रेलवे व्यापम, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डेली बेस पर करंट अफेयर्स पढ़िए, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल विंड डे कब मनाया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन है 13 जून, 15 जून, 14 जून, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में ग्लोबल विंड डे मनाया गया है 15 जून को। तो याद रखिएगा, हाल ही में ग्लोबल विंड डे मनाया गया है 15 जून को, याद रखिएगा। इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, 15 जून। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में कैबिनेट ने कहा धोलेरा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकास को मंजूरी दी है? तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में कैबिनेट ने जो कि धोलेरा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को, जो कि गुजरात के, इसको मंजूरी दी है विकास के लिए। तो याद रखिए, कैबिनेट धोलेरा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे जो कि गुजरात को मंजूरी दी है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी ICC वनडे रैंकिंग में कौन से शीर्ष स्थान पर रहा? तो इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जो ICC वनडे रैंकिंग में जो कि शीर्ष स्थान पर जो कि न्यूजीलैंड रहा था। तो याद रखिएगा, न्यूजीलैंड जो कि ICC वनडे रैंकिंग में जो कि प्रथम स्थान पर रहा था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो गुजरात, राजस्थान, केरल, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में केरल राज्य सरकार ने जो कि सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट यहाँ लॉन्च किया है, तो यहाँ केरल राज्य ने यहाँ जो कि यहाँ सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया केरल ने। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में अपेडर ने कहाँ पे 8 दिवसीय आम उत्सव का आयोजन किया है? तो नेपाल, बहरीन, श्रीलंका, इनमें से कोई। तो हाल ही में अपेडर ने जो कि 8 दिवसीय आम उत्सव का आयोजन किया गया बहरीन में। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ बहरीन में यह आम उत्सव का आयोजन किया गया है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठो क्वेश्चन हमारा, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने कितने सालों बाद अपने वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर दिया गया है? तो 27, 20, 25, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम में। तो हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने जो कि 27 सालों बाद अपने वेब ब्राउजर इंटरनेट को एक्सप्लोरर को बंद कर दिया गया, तो 27 साल बाद इसको बंद कर दिया गया है। तो इसका यह ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, याद रखिएगा। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 कौन से शीर्ष स्थान पर रहा है? तो सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, इनमें से कोई। तो हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 पे जो डेनमार्क है ये शीर्ष स्थान पर रहा है। तो याद रखिएगा, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक तो सूचकांक 2022 में डेनमार्क का जो कि शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन, हाल ही में एशिया का सबसे लंबे दांत वाले हाथी जिनका फोगेश्वर का निधन हुआ का वो कहाँ के हाथी है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में एशिया का सबसे लंबे दांत वाले हाथी जिनका भोगेश्वर जिनका निधन हो गया वे किस राज्य के से बिलोंग करते थे? तो ये कर्नाटक राज्य थे जिनका हाल ही में इनका निधन हो गया, जो कि एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी थे, इनका निधन हो गया, याद रखिएगा, जिनका नाम भोगेश्वर था। नौ क्वेश्चन है, हाल ही में किसने युवा सांसदों के 8वें वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी की है? तो मिस्र, ब्राज़ील, बेल्जियम, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में युवा सांसदों के 8वें वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी यहाँ मिस्र ने की है। इसका ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। दसवां क्वेश्चन, कौन सा भारतीय शहर हर साल औसतन 2 मिलीमीटर की दर डूब रहा है? तो पणजी, मुंबई, कोच्चि, इनमें से कोई। हाल ही में जो मुंबई है भारतीय शहर जो कि हर साल औसतन 2 मिमी की दर से डूब रहा है, तो याद रखिए, इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुंबई। ग्यारहवा ऑप्शन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने UNDP के सहयोग से ऑक्सीजन उत्पादन सुविधा का निर्माण किया है? तो गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो कि दिल्ली सरकार ने UNDP की सहयोग से ऑक्सीजन को उत्पादन करने में यह सुविधा का निर्माण किया है दिल्ली राज्य ने, तो याद रखिए, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बारहवां क्वेश्चन, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंक कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो 88.07, 89.3,
87.58 डी इनमेस कोइन है, तो हाल ही में 89.30 याद रखिएगा, जो कि नीरज चोपड़ा ने 89.30 जो कि मीटर भाला फेंककर एक नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिए गए हैं। जानते हैं नीरज चोपड़ा हाल ही में बहुत फेमस हो चुके हैं, याद रखिएगा भाला फेंक से इन संबंधित प्लेयर हैं, तो याद रखिएगा 89.30 जो कि नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिए है भाला फेंक में, तो इसका भी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ, इसका ऑप्शन है अमरावती, कोच्चि, धर्मशाला, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आपके धर्मशाला में हुआ है, यह जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा, जो कि इसका मुख्य सचिव का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आपके जम्मू कश्मीर में होगा, आपके क्या बोलते हैं धर्मशाला में, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने क्रांति गाथा का उद्घाटन किया, तो उद्धव ठाकरे, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में क्रांति गाथा का उद्घाटन हुआ है, जो नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया, तो याद रखिए क्रांति गाथा जो कि नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किए हैं। आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक के लोकायुक्त के रूप में किसने शपथ ली है, तो हिमांशु जैन, राहुल श्रीवास्तव, बी एस पाटिल, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में कर्नाटक के लोकायुक्त के रूप में जो कि बी एस पाटिल ने जो कि शपथ ले ली है, तो याद रखिए बी एस पाटिल ने जो कर्नाटक के लोकायुक्त के रूप में इन्होंने शपथ ली है। तो आज का करंट अफेयर्स कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, और डेली बेस पर करंट अफेयर्स पढ़िए, क्योंकि बैक टू बैक आपके बहुत सारे एग्जाम हैं, इसलिए मन लगा के पढ़िए, इस साल ठान लीजिए कि एग्ज़ाम निकालना है करके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।